अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और प्रधान जी, हमारे साथ है डेविड भाई वार्नर। डेविड भाई जो है आज फिर एक क्रूशल मैच जीत के आए हुए हैं। अपन डेविड भाई से जो है बात करेंगे और डेविड भाई पहुँचते हैं प्लेऑफ में, इंशाल्लाह दुआ करो पहुँच जाएंगे। क्या बात है, इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे आप पहुँच जाना बोल के। मैच तो जीत गए भाई, मगर आज भी जो है ज़्यादा रन नहीं मारे तुम। अरे यारो बैगन, 120 रन तो मारना था यारो, बड़ी बात तो नहीं कर रहा। मेरे दोनों छोटे बेटियों को भिजाता तो उन लोग पावर प्ले में मार लेते थे 120 रन, मगर क्या है, मिडिल ऑर्डर को भी बैटिंग मिलना बोल के एक छक्का मार के आउट हो गया मैं। जरा नहीं तो बच्चे रोते ना भाई। मैच जीत गए बोल के बर्दाश्त कर ले रहा हूँ तुम्हारे बमा डेविड भाई, ने तो अगर हारते थे ना सीधा भाभी गुस्से जो ना फ़ोन करा के गालियाँ सुनाता था तुम्हारे। खैर जान दो भाई, जेसन होल्डर क्या बेहतरीन छक्के छक्के मार दे रहा है, उन्हें किराक हो जा रहा भाई। अरे होल्डर एक बेहतरीन बैट्समैन है भाई, खाली पीली उसकी काबिलियत पे शक करा मैं पट्टे की। क्या है, उन्हें जुनूनी है एकदम। उससे पहले समत को भिजा रहा था मैं, आके गल्ला पकड़ लिया हमारा। क्या हुआ रे भाई, डेविड भिजाता नहीं भिजाता कहते। मैं बोला अरे भाई ने फ्रेम में से निकल जा रहा, खाली पीली रकवक देंगे अपन, कैप्टन है, इज्जत है अपनी, कुछ भी बोल के जो है ना पहले उसको भिजा दिए पट्टे को। अगर कुछ भी बोलो भैया, बॉलिंग किराक हुई, बड़े बड़े हजदों को खा लिया अपने बॉलर, संदीप जो है कोहली को खा लिया, नदीम जो है एबीडी को खा लिया। ये मैच में जो है खसूसी बॉलरों का परफॉर्मेंस अच्छा होना बोल के पखबुल्ली बाबागंज से पलीते ला के घुल के पिला मेरे बॉलरों को, इसलिए जो है ना ऐसी बेहतरीन मौत डाल दी ना ग्राउंड में आज। डेविड भाई आखिरी बेहतरीन कैप्टनसी निभा रहे तुम, तुम्हारा तो ओपन टिक्स नगर के चढ़ाव पर ठहरा के सैल्यूट करना। मगर केन अन्ना भाई जैसा विराट कोहली का कैच लिए थे आज, वैसी जो है ना कैच दे के आउट हो गए, मैं खेलते होंगे समझा केन अन्ना आज। अरे नहीं मियाँ, वो क्या हुआ बोले तो, जैसा केन अन्ना भाई विराट कोहली का कैच ले लिए, अनुष्का भाभी रोना शुरू कर दिए, मेरे मरद को आउट कर दिए, मेरे मरद को आउट कर दिए बोलते। केन अन्ना भाई बोले भाभी को ऐसे हाल में जो है रुलाना अच्छी बात नहीं है, भाभी मैं भी जो है ना वैसी कैच दे देता हूँ कोहली भाई को, आउट हो जाता हूँ, तुम फिक्र न करो। अरे भैया केन अन्ना ग्रेट आदमी है भाई, चुपी जो है ना वो आदमी को मिस्टर कूल नहीं बोलते लोग, बहुत अच्छा आदमी है, सबकी दुआओं में रहता मालूम बंदा। अरे यारो केन अन्ना जो है ना आखिरी ग्रेट आदमी है, जितनी तारीफ करो कम है भाई। उन्हें हैदराबाद से तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता मालूम दुआ को, दुबई के शेखा जो है उसको सिटीजनशिप ऑफर कर रहे थे, उन्हें नक्को बोल दिया भाई अपना हैदराबाद अच्छा है जैसा है, मिर्ची चटनी खाएंगे, हैदराबाद में रहेंगे, जितना भी बोलो न्यूजीलैंड के बाद जो है ना हैदराबाद ही मेरा घर है, यहीं बहुत अच्छा दिखता। मगर क्या है, अब दुबई में आईपीएल हो रहा, अच्छा भी नहीं दिख रहा मेरे को, हैदराबाद में रहता था थोड़ी रौनक रहती थी, मजा आता था। वर्रा अगला मैच जो है एमआई के साथ है भैया, वो जीत गए तो थोड़े चांसा बन जाते अपने क्वालिफाई करने के। मैं तो दुआ कर रहा हूँ केकेआर और पंजाब हारना। अरे मियाँ तुम लोग टेंशन नको लियो, खाली दुआ में याद रखो हम लोगों को, जब पूरी टीम को मैं सुधार दिया, साहा को सुधार दिया, और देखे मुठल रिहाब सेंटर से आए जब से कैसा खेल रहा पट्टा, आज का छक्का देखना था स्टेडियम के छत पे मार दिया पट्टा, किराक हो जा रहा तो ऐसा मसला चल रहा। देखो अब मनीष पांडे को जो है ना थोड़ा गर्दन पे देके सुधारना पड़ता, बहुत जल्दबाजी कर रहा, उन्हें सुकून से खेल बोल के समझाना है, बाकी सब तो टीम सेट है, सबको बोल दिया बातहारत सब जने ग्राउंड में आएंगे, नहीं तो इफलासी लग के मैच हार जाते अपन लोग। कहीं बोले तो भाई आखिरी मैच है, रिस्क लेना नहीं है अपने को, समझ गया ना, तो वो हिसाब से समझा दिया हूँ सबको प्लेयर। अब बाकी जो है ना अगले मैच में तो मौत डालेंगे, आज जैसा खेले बेहतरीन, अगले मैच में भी ऐसी खेलने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, उसमें भी मौत डालेंगे हम लोग। और डेढ़ भाई आवाम के लिए कुछ मैसेज देना चाह रहे तो आप दे दो। देखो भाई फ्रांस के प्रेसिडेंट के वास्ते बेशुमार लानत भेजो, सब जने उनका प्रोडक्ट बॉयकॉट कर रहे हैं, मैं तो यूज़ भी नहीं करता हूँ, खाली फ्रेंच किस करता हूँ मैं, वो बॉयकॉट कर देता हूँ समझे। ओके भैया ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ में अल्लाह हाफिज़।